पे मैं यूज़ करूँगी गार्नियर का मैसेला वाटर, ये बहुत ही अच्छा है। मैंने एक्चुअली लास्ट ईयर से परचेज़ किया था, 400 ml इसकी क्वांटिटी है, अंडर 200 rupees में बहुत ही अच्छी एक चीज़ है। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी भी मैसेला वाटर में, प्लीज़ गो फॉर दिस। इसको मैं अच्छी तरीके से अपने फेस पे, लिप्स पे, आईज पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी। हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि आँखों के अंदर ना जाए, एंड गले पर भी अच्छी तरीके से यूज़ करूँगी। नेक्स्ट मैं वॉश भी कर लूँगी, नेक्स्ट मैं डबल क्लिनजिंग करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब अच्छे तरीके से मेकअप नहीं किया। एंड एक बात का ध्यान रखना, हमेशा डबल क्लिनजिंग करना, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मेकअप रह गया ना आपके फेस पे, वो पिंपल आ जाएगा आपके फेस पे। एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँ मामा अर्थ का टी ट्री फेस वॉश, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है। ये बहुत ही अफोर्डेबल, 249 इसका प्राइस है, 100 ml इसकी क्वान्टिटी है। फॉर ऑयली स्किन, फॉर कॉम्बिनेशन स्किन, फॉर नॉर्मल स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, एंड एक्ने प्रोन के लिए बहुत ही बेस्ट है। आप एक बार इसे ट्राई करके देखना, ये ट्रांसपेरेंट है एंड मेरा वन ऑफ़ द फेवरेट एक फेस वॉश है। मैं बहुत सारे फेस वॉश यूज़ करती हूँ, लेकिन ये वाला मेरा वन ऑफ़ द फेवरेट जो कहते हैं ना, वो वाला ही है। एंड नेक्स्ट मैं गले पे भी अच्छी तरीके से यूज़ कर लूँगी, नेक्स्ट मैं वॉश कर लूँगी, एंड डैप डैप मोशन में आपके फेस को पैट ड्राई भी कर लूँगी। आप रगड़ना मत, अदरवाइज आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएंगी। आप डैप डैप मोशन में ही आपका फेस क्लीन कर लेना। नेक्स्ट मैं मिनिमल्स का टोनर यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा एक टोनर है। अगर आपका ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है या फिर आपके फेस में डलनेस है, तो प्लीज़ इस टोनर को एक बार ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छा है। इसको मैं 2 months से यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा है, मेरा रेगुलर यूज़ है। इसका प्राइस है 499 जो मेंशन है, लेकिन आपको आराम से 350-300 से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं एक मॉइस्चराइजर यूज़ कर लूँगी, ये है मामा अर्थ का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, क्योंकि मैंने जब बताया था कि मेरा पिंपल अभी आ रहा है, तो दैट्स व्हाई मैं ये यूज़ करूँगी। मेरा वन ऑफ द फेवरेट, इसका प्राइस है 399 अराउंड जो कि यहाँ पे मेंशन था, लेकिन आपको आराम से 300 तक ईजिली मिल जाएगा। एंड लुक एट द ग्लो आफ्टर यूजिंग दिस क्यूट प्रोडक्ट्स जो, एंड अच्छी तरीके से नेक पे भी एंड ईयर्स पे भी अच्छी तरीके से यूज़ कर लेना। एंड यहाँ पे मैं सनस्क्रीन का पार्ट नहीं दिखा, क्योंकि उसको ब्लेंड करने में बहुत ही टाइम लग जाता है, जैसा मैंने नहीं दिखा, लेकिन मैंने यूज़ किया था सनस्क्रीन। एंड नेक्स्ट मैं एक अच्छा सा लिप बाम लगा के, एंड लुक एट द ग्लो है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर मेरा ऑलरेडी वीडियो अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।